और अब खबर मध्य प्रदेश से, जहां इंदौर में होने वाले एक व्याख्यान जिसमें जाने माने लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता प्रोफेसर शमसुल इस्लाम को हिस्सा लेना था। उस कार्यक्रम से एक दिन पहले सरकारी आदेश का हवाला देते हुए रद्द कर दिया गया है। जमीन ख्वाब जिंदगी यकीन सबको बांट कर, वो चाहते हैं बेबसी में आदमी झुकाए सर। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जाने माने लेखक सामाजिक कार्यकर्ता शमसुल इस्लाम ने भगत सिंह को गाया सांप्रदायिक सौहार्द की बातें की। लेकिन एक दिन बाद इंदौर में टेक्सटाइल डेवलपमेंट ट्रस्ट ने आयोजकों को पत्र भेजकर सूचित किया कि 25 को अपरिहार्य कारणों से कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी गई थी। अगले दिन फिर से अनुमति मांगी गई थी, लेकिन सरकारी आदेश का हवाला देते हुए उसे दोबारा रद्द कर दिया गया था। ऐसा गीत कृष्ण जी पर लिखा नहीं गया, नॉन उर्दू में भी नहीं लिखा गया, और वो मैं सुनाना चाहता हूँ। इससे भी मुझे सुनाने से रोका गया। मथुरा का नगर है आशिकी का, दम भरती है आरजू उसी का, हर जर्रा सरजमीन है गोकुल, दावा है जमाले दिलबरी का, बरसाना व नंदगांव में भी देखने आए हैं जलवा हम किसी का। ये गए थे हसरत मोहनी वहाँ, और वहाँ वहीं पर लिख दिया उन्होंने ये। ये मैं हसरत मोहनी की कविता नज़म जो है ये सुनाना चाहता था, इससे रोका गया मुझे। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, प्रसिद्ध लेखक अशोक पांडे सहित और कई लोग अपने विचार व्यक्त करने वाले थे। हमको प्रशासन से आदेश मिला कि ये प्रोग्राम यहाँ नहीं होगा। अच्छा, तो हमने लेटर जारी कर दिया। सर, जिसमें लेटर जारी किया, फिर उसके बाद एक बार फिर अनुमति हुई? नहीं हुई, फिर बातचीत हुई, फिर बुला ली। बातचीत हुई, कहा गया, फिर बाद में हमारे पास राइटिंग में आ गया कि आपको अनुमति नहीं देंगे, तो नहीं दी। शमसुल इस्लाम धार्मिक सद्भाव की आवश्यकता के बारे में बात करते हुए देश भर में यात्रा कर रहे हैं। भोपाल से अनुराग द्वारी के साथ समीर खान की रिपोर्ट।